हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी चटपटी चिली होस्ट शिखा शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के बीच आई हूं आपको एंटरटेन करने के लिए। दिल्ली चिली एंटरटेनमेंट आपके बीच फिर हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच एक ऐसे सितारे हैं जिनको आप हमेशा दिल से चाहते हैं, ऐसे शख्स हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही खास तौर से पसंद आते हैं जब वो छोटे पर्दे पर अपना जलवा बिखेरते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही फेमस जोड़ी की, बात कर रही हूँ मनीष गोयल एंड पूनम गोयल की। हेलो मनीष एंड पूनम, वेलकम ऑन डेली चिली। वेल, मैं एक बात जरूर बोलूंगी दैट पूनम इज अ वेरी गॉर्जियस लेडी, आई मस्ट से, बट ये गर्ल लग रही है, सो सिंपल, कुछ भी मेकअप नहीं किया है, दिस इज हर नेचुरल लुक। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। And you are handsome and as always. Thank you so much. My pleasure. She is beautiful and handsome. इससे अच्छी जोड़ी क्या हो सकती है आपके लिए? See, नचबलिए में आप लोगों की फेवरेट जोड़ी थी and now they are saying कि इससे अच्छी जोड़ी क्या हो सकती है? टच वुड आप लोगों को नजर ना लगे। Thank you so much. मैं दिल्ली से ही हूँ तो obviously जब भी हूँ और जैसा कि आपने कहा कि जहाँ entertainment है वहाँ आप हैं, जहाँ celebs हैं वहाँ आप हैं, तो it's a pleasure to get interviewed by Delhi Chali Entertainment, of course. एक्चुअली दिल्ली चिली एंटरटेनमेंट हमेशा वहाँ प्रेजेंट रहता है जहाँ आप जैसी सेलिब्रिटीज़ होती हैं। एक्चुअली व्यूअर्स हमारे बहुत इस शो को पसंद करते हैं, ये कैंडिड शो है। Nice. हम चाहते हैं कि दिल्ली चिली के माध्यम से लोगों को डेली एक एंटरटेनिंग कुछ थिंग अपडेट जाए, लाइव जाए, तो दिस इज़ आर मेन मोटो। चलो छोड़िए इस बात को, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये 40th एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही हैं जो मेघना पार्लर हैं, तो आप आज इसको सेलिब्रेशन को चार चांद लगाने आप दोनों यहाँ पर आए हैं, आप कैसा एक्सपीरियंस मतलब आपको है, कर रहे हैं आप और कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, यहाँ तो आना ही था। दिस इज़ नॉट माय बेबी ऑफ कोर्स, बट माय पेरेंट्स स्टार्टेड इट अराउंड 40 इयर्स बैक। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैंने तो इसमें एक नाखून भी नहीं दिया है, इतनी मेहनत भी नहीं की है मैंने, बिकॉज मैं अपने सपने पाने के लिए आगे चला गया था। बट व्हेन दे हैव अचीव्ड अ स्प्लेंडेड जर्नी ऑफ 40 इयर्स, एंड 40 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर इन बिजनेस, जब हमने ये जाना कि पूरे दिल्ली में ये पहला सलून है जिसने 40 साल कंप्लीट किए हैं, वी बोथ हैड टू कम देयर, एंड शी इज़ द बहू ऑफ द हाउस, एंड एज यू सेड शी इज सो ब्यूटीफुल, सो शी हैज़ टू बी देयर। बेसिकली इट इज़ नॉट एन इवेंट फॉर अस, या एक्साइटमेंट अलग है, इट्स मोर ऑफ अ इमोशनल यू नो रोलर कोस्टर फॉर अस, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस फैमिली सिंस 16 ईयर्स, सो फॉर मी नॉट बिकॉज आई एम ऑन कैमरा, For me, my mother-in-law has been a source of inspiration. I look upon her because the way she started a salon with a two-seater and now she owns the entire building. So it is to be, aur aaj ke time pe 40 years koi cheez ko survive karna, it's not a joke. It's a humongous task in itself, I feel, definitely. Okay, Manish ka kehna hai ki wo Delhi se belong karte hain, apni Delhi se belong karte hain, and Poonam, aap kahan se belong karte hain? Apni Bombay se. Very much a Bombay girl. तो ये combination तो अपने आप में इतना amazing है, Delhi and Mumbai को आपने जोड़ दिया है। इनको जो भी आप बोलिए कि आप दिल्ली में सेटल होंगी, she says no. पर अगर मुझसे कोई पूछता है मैं मुंबई में सेटल होऊंगा, तो मैं बोलता हूँ हाँ, बिकॉज दैट्स माय वर्क, यू नो। व्हाई नॉट इन दिल्ली? यू आर इंटरव्यूइंग, गेट इंटरव्यूड ऑन दिल्ली चिली एंटरटेनमेंट राइट नाउ। यू विल स्टॉप इंटरव्यूइंग मी? आई डोंट नो, आई थिंक जहाँ आप पैदा हुए हो, यू हैड योर यू नो योर स्कूलिंग एवरीथिंग, आपको वो जगह से डेफिनेटली अटैचमेंट हो ही जाती है, एंड बॉम्बे है ही ऐसी जगह, इट्स फुल ऑफ लाइव, मतलब आप 3 बजे भी रात को निकल रहे हो, रौनक है वहाँ पे, यू फील लिटिल सेफ देयर। नो इट्स हर पॉइंट ऑफ व्यू, शी कैन से पॉइंट ऑफ व्यू, या आई जस्ट डोंट नो, आई जस्ट सी, आई पर्सनली फील व्हाट शी सेइंग इज राइट, मुंबई इज मोर फास्ट पेस्ड, या मुंबई इज डेफिनेटली यू नो पीपल गेट अप इन द मॉर्निंग एंड दे आर आउट टू वर्क समवेयर इन दिल्ली, आई विल नॉट कॉन्ट्रडिक्ट माई ओन स्टेटमेंट, बट येस वी आर अ लिटिल लेट बैक, वी आर मोर रिलैक्स्ड लाइफ, यू नो। तो वो जो वहाँ फास्ट पेस है, आई थिंक वी बोथ बिलोंग टू दैट कैटेगरी, वी जस्ट वांट टू वर्क, गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गेट ऑन टू आवर स्टफ, यू नो, यहाँ थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं हम लोग। इनफैक्ट ड्यूरिंग आवर वेडिंग एक इंसिडेंट था वेयर जब मेरी विदाई हो रही थी, एंड सी सी विच वन, नहीं, जब विदाई हो रही थी, आई वॉज नॉट क्राइंग एट ऑल, तो एक होता ना यूजली लड़की की शादी हो रही है रो रही है, एंड आई सॉ मनीष क्राइंग,
विथ माई फादर. मेरे फादर और मनीष रो रहे थे बिकॉज फॉर मी आई वॉज गोइंग बैक टू बॉम्बे, ही इज लीविंग दिल्ली एंड गोइंग, सो फॉर मी इट वॉज यू नो नेवर फेल्ट दैट आई वॉज मैरिड. ओह माई गॉड, दिस इज समथिंग वेरी फनी. नो, यू शुड नो द रीजन आई आस्क्ड हिम. आई सेड, व्हाई वर यू क्राइंग? द फैक्ट आई वॉज क्राइंग बिकॉज हर डैड टोल्ड मी, ही व्हिस्पर्ड इन माई ईयर, या या श्योर, कि आज तक मैंने झेला अब तू झेलेगा. I don't think it's true. No. She's a sweet girl. No, I mean, yeah, Bombay se definitely attachment hai. It's not that I don't like Delhi. I keep coming here quite often. But it's more of a holiday for her. Yeah, it's more of a holiday. ओके, एक्चुअली पूनम एंड मनीष, आपकी जोड़ी तो सुपरहिट है ही. नच बलिए में भी आपने धूम मचाई थी, नो डाउट आपकी जोड़ी ने धूम मचाई थी. कसौटी जिंदगी को लोग आज तक याद करते हैं. एकता कपूर का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वो शो रह चुका है. अब मतलब कुछ आप अपकमिंग प्लान्स दिल्ली चिली को कुछ भी आप कुछ शेयर करना चाहें? या या ऑफ कोर्स. सी, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड आयुष्मान भव वन स्टार एंड देयर समथिंग इन द पाइपलाइन. बट एज हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि हम कुछ बोल देते हैं और फिर वो कहीं और चला जाता है या नहीं होता है या डिले हो जाता है. तो हम दोनों को उस बात का बहुत अच्छा अनुभव हो चुका है. तो हम कोशिश ये करते हैं कि शूटिंग होने के बाद भी कभी कभी, आजकल पायलट बनते हैं तो वो तीन प्रोड्यूसर्स तीन चैनल को जाके पिच होते हैं, कभी कलर्स पे जाता है, जी पे जाता है. तो हम चाहेंगे कि हम अभी ये रिवील ना करें. पूनम इज़ डेफिनेटली ऑन हर वे टू कम बैक. शी टुक अ ब्रेक फॉर कपल ऑफ ईयर्स बिकॉज ऑफ माई डॉटर एंड द किड्स ऑफ कोर्स. एंड मैं बहुत जल्द आपको वापस देखूँगा. कंग्रेचुलेशंस इसके लिए कि आप वापस दिखेंगे. लोग आपको चाहते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप वापस दिखें. बट पूनम, मैं तो आपके लिए फिर बोलूंगी कि आप इतनी गॉर्जियस जो लग रही हैं, स्टिल लुकिंग, मतलब लगिंग, यू लुक सो यंग. अवे फ्रॉम एंटरटेनमेंट फ्रॉम सो मेनी इयर्स एंड देन यू नो यू गेट अप्रिशिएटेड अगेन, इट फील्स वेरी गुड. थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. सो नाउडेज देयर आर लॉट्स ऑफ मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट एंड ऑल, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट? No, actually, you never know. My height is not eligible for that. You know, it says 5'4". Oh my God, this is too much. Now there's, you know, contest for plus size also. Yeah, hope for everything. See, I'm intelligent, I'm pretty. What else do you want? Yes, 5'4". I don't think that really matters. अच्छा, हमारे व्यूअर्स को आप मेघना मतलब दिस सलोन के बारे में, जो कि बहुत ही दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे लोकेटेड है, और क्या बताएंगे? 40 साल पहले जर्नी स्टार्ट हुई, 1978 अप्रैल. इन अ नटशेल आई वुड से, दो कुर्सियों से मेरे मॉम डैड ने ये जगह को स्टार्ट किया था. नीचे ही जो आपने रिसेप्शन देखा है, वहाँ दो कुर्सियाँ थी, उसके पीछे वाली जगह पे हम लोग रहते थे. आई थिंक द रेंट वाज अराउंड 100 रुपीज़. सो आई थिंक द व्हाट यू सी नाउ इज़ अ प्रूव इटसेल्फ दैट हाउ मच डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क दे हैव पुट इनटू. बिकॉज इन 40 ईयर्स व्हाट आई हैव सीन ऑफ मॉम एंड डैड एंड शी सीन ऑफ मॉम एंड डैड इज sheer dedication. Yes. They are driven by passion. They've never chased money. What they've chased is business, do it very well, do it passionately, the rest will follow. And I think this is the result of the entire hard work and the dedication they've put into last 40 years and many more to go. I mean, the fact that ki aaj 40 saal इस सलोन ने कंप्लीट किया है एंड दिस इज द फर्स्ट सलोन इन दिल्ली, फील्स रियली गुड. मोर देन दैट, आज ऐसे ऐसे कस्टमर्स आए हैं वेयर यू नो दे गॉट मैरिड, देयर किड्स हैव कम एंड उनके बच्चे भी अभी यहीं आ रहे हैं. सो दैट इंटायर जनरेशन इज कमिंग, सो इट फील्स सो नाइस. दे हैव दे इमोशनली अटैच्ड टू दिस प्लेस, दैट्स द ब्यूटी. इट्स लाइक अ लेगेसी, यू नो, यू क्रिएटेड लेगेसी वेयर वी मेट समवन हुज मैरिज मेकअप वाज डन इन 1978 एंड वी वांटेड हर टू कम बट शी वाज नॉट वेल, सो would have been a pleasure of course. So it feels good, yeah. It feels very good. मैं अपने दिल्ली चिली व्यूअर्स को एक बात जरूर बताना चाहूँगी. लाइक पूनम एंड मनीष विल सच अ हम्बल सेलिब्रिटीज, सच अ हम्बल कपल एंड सच अ लविंग कपल. आपको इन लोगों से इंस्पिरेशन तो मिल रहा होगा, कितना प्यार सी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का इंटरव्यू लेके. आई एम सो यू नो सो रिफ्रेश्ड. That's actually so true of you. I'm so refreshed now, Delhi Chili viewers, because मैं बहुत long journey से specially आप लोगों का interview लेने आया. Thank you so much. Thank you so much, Delhi Chili. आप यहाँ आए, हमारा interview लिया, हमसे थोड़ी गपशप की. And Shikha, you're amazing. Yeah, you're amazing at your job. The way you're spontaneous, very nice. I really loved it. Thank you so much. Thank you so much, Manish and Poonam. Love you. फ्रेंड्स, मेघना सलोन, मेघना पार्लर की जो ओनर हैं, उनसे मैं अब आपको मिलवाती हूँ, जो कि 40th सेलिब्रेशन को ग्रैंड बनाने जा रही हैं. उनकी बेटी भी प्रेजेंट है, जिनके नाम पे ये सलोन कभी शुरुआत की थी 40 साल पहले दिल्ली में. हेलो. हेलो मैम. हेलो मेघना. हेलो. आप क्या बताना चाहेंगी?
मैं मेघना पार्लर मेघना के नाम से जब मैंने खोला था 40 साल पहले, मुझे यकीन नहीं था कि मैं 40 साल आज पूरे करूँगी। शुरुआत करी थी ये सोच के कि आज इस लाइन में हम लोग पहला कदम रखा है। काफ़ी लोगों ने हमें बोला क्या नाई की दुकान खोल ली, और काफ़ी लोगों ने बोलचाल भी बंद की थी, और कुछ लोगों ने ये भी बोला था देखते हैं कब तक चलाते हैं। लेकिन हम वहाँ तक सुनने के बावजूद लगा कि काफ़ी लोगों ने साथ छोड़ दिया है, और हमने कोशिश की कि उनका साथ हम वापस से खुद जाके उनको पकड़ें कि आपने छोड़ा था और हम आपके साथ वापस से खड़े हो गए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज वो लोग आए थे जिन लोगों ने हमारा साथ भी छोड़ा था। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुझे यकीन है कि एक आपकी मेहनत और एक भगवान का साथ, अगर दोनों मिलते रहें और उसमें मिल जाए हमें साथ में कस्टमर जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, तो वो हमेशा तरक्की की तरफ बढ़ेगा और वो ऊपर चढ़ता ही जाएगा। ये मेरा अपना विश्वास है, और मैं चाहती हूँ जैसे 40 साल मैंने काम किया वैसे 40 साल मेरे दोनों बच्चे, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरे दामाद, उनके बच्चे इसको आगे निकालें और बहुत ऊपर तक अपना नाम कमाएं, और साथ में हमारा भी, और ऑल स्टाफ एंड कस्टमर जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं उन लोगों की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सास ससुर जी का, मेरे माँ बाप का जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और साथ में मेरी माँ दुर्गा जिन्होंने मुझे चलने की और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। थैंक यू सो मच। मेघना, ये आंटी ने मुझे बताया कि ये बहुत लकी आपका नेम रहा, मतलब 40 साल लंबी जर्नी आपके नाम के ऊपर आंटी ने इसको आगे बढ़ाया, एंड नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग इट। क्या कहना चाहेंगे? यू आर सो इमोशनल, आई कैन सी दैट। एक्चुअली मैं सिर्फ 4 साल की थी, तो 4 साल के बच्चे को आई थिंक नॉलेज भी नहीं होती है कि माँ बाप ने उसके नाम से खोला है या कुछ है। तो आई थिंक माई पेरेंट्स वट एवर दे हैव डन एंड दे थॉट कि आई हैव बीन लकी फॉर देम। बोलते हैं कि बेटी पैदा होती है तो उसको लक्ष्मी मानते हैं, ऐसे उन्होंने माना और आज जो कुछ है वो सोचते हैं। माई पेरेंट्स एक्चुअली फील कि आई हैव बीन लकी फॉर देम सिंस द डे आई वॉज बॉर्न, एंड वो आज चल रहा है। और जब शादी होकर भी गई हूँ तो वो लोग भी लकी मानते हैं, तो आई फील प्राउड कि मेघना मेरे नाम से चल रहा है, और भगवान करे आगे भी चलता रहे, और माँ बाप के उससे मैं भी आज अपने आप को भी प्राउड फील करती हूँ कि मेरे नाम से आज एक इतना ब्रांड नेम चल रहा है। और 40 इयर्स में मेरे पेरेंट्स ने कभी एडवर्टाइज़ नहीं किया, मतलब मीडिया का सहारा कभी नहीं लिया, ना एडवर्टाइजिंग, ना कभी सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब चीज़ें जो लोग करते हैं। 40 इयर्स में फ़र्स्ट टाइम आई एम गिविंग माय इंटरव्यू, या मेरे माँ ने दिया है या मैंने दिया है, और दुनिया ब्रांड नेम खोलती रहती है, पार्लर्स ये वो, हम लोगों ने नहीं किया कभी। बट जो अब फ्रीलांसिंग लोग कर रहे हैं ये सब, इट हैज़ डेफिनेटली अफेक्टेड द ब्यूटी इंडस्ट्री नाउ, विच आई ऑल्सो फील। और भगवान करे ये मतलब आगे भी हमारा नाम इस तरह से चलता रहे और हम आगे ब्रांचेस खोलें, ये हमारा भी सपना है। और हम जो हमारे पेरेंट्स ने ये नाम खड़ा किया है, आई होप वी लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, एंड जय गुरु जी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारे बीच जुड़ गए ब्यूटीफुल एंड वेरी गॉर्जियस रश्मि सचदेवा, जो कि बहुत ही बड़े बड़े क्राउन्स इंडिया लेकर आई हैं, बहुत प्राउड फील कराया है उन्होंने। अभी उन्हें हाल ही में एक बहुत ही बड़ा टाइटल जीता था, मिसेज यूनिवर्स यूरेशिया का। हेलो रश्मि, वेलकम टू दिल्ली चली। थैंक यू शिखा। रश्मि, आप आज प्रेजेंट हैं इस मेघना सलोन पे, जो कि अभी पूनम गोयल और मनीष गोयल भी इसकी 40th सेलिब्रेशन पे आए हुए हैं, एंड सो लाइक आप भी आई हुई हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ मेघना सलोन। You know, it's very tough to survive for 40 years. I have seen salons opening, shutting down within 6 months, 1 year. So it's a very, very big achievement. So I would like to give them my warmest wishes and best wishes. Rashmi, yourself is very beautiful. बहुत अच्छे से maintain करती हैं. Mrs. Title आप इतना जीत चुकी हैं, already married हैं, बच्चे हैं आपके बहुत बड़े बड़े. क्या आप beauty tip देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? Stay positive, stay focused, stay happy, and you know, you will keep shining. Thank you so much.